मैंने उसे 10 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था। रेमो बताओ अभी तक जश्न मना रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं राघव जियाल के मीम्स। जब उसका मैंने सेकंड पहला पार्ट बनाया वो भी लोगों ने पसंद किया, सेकंड पार्ट बनाया वो भी पसंद किया, तब आ गए थर्ड की बारी। अब पता राघव जियाल की हाल ही में एक मूवी आई थी किल, बहुत बढ़िया कर रही है। मूवी अच्छी थी, कुछ भी कहो, लोगों ने सबने तारीफ की, मूवी बहुत बढ़िया। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं कि आज मीम्स के पिटारे में और मीम्स में और क्या मिलता है हमें। श्रद्धा, रेमो सर आपकी बीवी और साली अगर दोनों एक शेर के पिंजरे में फंस गए तो आप किसे बचाएंगे? रेमो, ये कोई पूछने की बात है, ऑब्वियसली मैं शेर को बचाऊंगा। भाई जो भी कहो, वो जो ग्रीन शर्ट में कंटेस्टेंट था एक नंबर का भाई। पहले पुंगी बजाई, फिर बाद में फेंक भी दिया, और बाद में क्वेश्चन भी सही पूछा था रेमो से कि भाई शेर के पिंजरे में आपकी साली और बीवी तो किसे बचाएंगे। तो उसने बोला शेर को, पर कह भी सकते शेर को ही बचा सकते हैं, रेमो कुछ भरोसा नहीं, बाकी हम तो पता ही है किसे बचाएंगे। कि आपके थोबड़ों से आपके थोपड़ा सर, थोपड़ा इतने बड़े जज और थोपड़ा सर, मुंह बोल देते, मुख बोल देते, शकल बोल देते, आपने तो मेरी वाली बात कर दी। आ गया वर्ड, अभी बोलूं मैं? यस सर, यस मर्जी भाई, कुछ भी कहो मर्जी सर की, पर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर वो हिंदी के जब जब कुछ शब्द बोलते हैं तो मेरा ऐसा हाल हो जाता है, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। तो इसलिए भाई कुछ भी कर मजा बहुत आता है, वो जब भी हिंदी में कुछ बात बोलते हैं ना, हंसी आपको आएगी आएगी, कुछ भी कर लो। और बाकी फिर राघव जियाल है ही आपके पास, वो बोल ही रहते हैं आपको, मेरे जैसे कैसे बोल रहे हो, चेहरा बोल लेते, मुख बोल लेते, थोपड़ा आई है कि दोस्त है, माइक नहीं है, दोस्त है, सेम लग रहे हैं यार, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं आप। कैसा लगा मेरा मजाक? साउंड साउंड करो पागल भाई। शिल्पा जी क्या कहना चाहते थे, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, मतलब ऐसा कोई कहता है? वो भी नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हो, ऐसे नहीं कहना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में तो नहीं रहते हो। रेमो और लिजेल दोनों एक पार्टी में गए। लिजेल, वो जो आदमी दारू पीकर नाच रहा है ना, मैं उससे 10 साल पहले रिजेक्ट कर दिया है। मैंने उसे 10 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था। रेमो बताओ अभी तक जश्न मना रहा है? जश्न मना रहा है।
तुम मुझे ऐसी दो बात बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरे से गुस्सा हो जाऊं। रेमो, पहली बात, तुम मेरी जिंदगी हो। लिजेल, अच्छा थैंक यू। दूसरी बात रेमो, और दूसरी लालत है ऐसी जिंदगी। दादा ये क्या क्या लिखवाते हो आप मुझसे? कल रात को इतना बड़ा चिट्ठा लिखा, मैं नहीं ऐसा दादा, आप तो चले जाओगे मुझे मारेंगे दादा। भाई कुछ भी कहो, दादा जब आते हैं तो दादा रेमो की से जरूर बात लगवाते। सही बात बोली है, दो बात पूछी, वो तुम मेरी जिंदगी हो और ऐसी जिंदगी पे लालत है हमें। कैसा मजा आया? चुटकुले चुटकुले देखो यार, कौन सा चुटकुला यार? ये पार्टी में रेमो सर को एक सुंदर लड़की से बात करते देख लिजेल मैम उनके पास गई और कहा, घर चलो मैं मरहम लगा दूंगी। रेमो, लेकिन मुझे चोट कहाँ लगी है? लिजेल, अभी हम घर कहाँ पहुंचे? भाई गजब है ये, अच्छा रहा कि भाई घर चलो मलहम लगा दूंगा। भाई दूसरी लड़की को पार्टियों में देखोगे तो यही होगा, जितने शादीशुदा मर्द हैं उनके साथ ऐसे ही रात को मलहम लगाया जाता है जब वो पार्टी से घर जाते हैं, क्योंकि उनकी बीवी उन पे नजर रखती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेमो सर ने पान खरीद कर लिजेल मैम को खाने के लिए दिया एक दुकान से। लिजेल मैम, अरे थैंक यू, पर आपने अपने लिए पान क्यों नहीं लिया? रेमो सर, अरे पगली, मैं तो ऐसे ही खामोश रह सकता हूँ। भाई कुछ भी कर, पर ये है शादी के बाद मर्द शांति हो जाते हैं, उनकी घर में वैसे नहीं चलती, फिर माँ और बीबी के बीच में फंस जाते हैं तब शांत हो जाते हैं, तो फिर वो अपने फादर साहब के देख रहे होते हैं कि आप समझ में आया आपके साथ क्या होता है, आज हमारे साथ भी वही हो रहा है। पर बात तो सही है ना, ऐसा ही होता है, चुप हो जाते हैं ना, हो गए चुप। तो ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिनने नहीं किया है, इस चैनल को बहुत लोगों के साथ शेयर भी करो, बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते, मजे लेके चले जाते, प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें। अब आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।